नमस्कार, मैं लाडू मदीशा। सबसे पहले मैं ब्लाइंडेड भोजपुरी को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ जिला, ग्राम रानी की सराय मार्केट। और मेरा सबसे पहले हिट गाना हुआ था कमरिया टूटे रे नदी, राती में पियावा पालानी में सूते। और देवी गीत हुआ था बलमा मोर हेराइल, धई धई रोई चरणिया बलमा मोर। ऐसे ही अनेकों गाने मेरे हिट हुए हैं। मैं फिल्म कर रहा हूँ, ये हमारे अनिल काबरा सर जी हैं जो प्रोड्यूसर हैं, और एज अ डायरेक्टर रितेश ठाकुर सर जी हैं। और अभी मैं मुंबई में पनवेल में भी 15-20 दिन से मैं शूट कर रहा था एक अगुआ मूवी जो फैमिली ड्रामा था, और फिर एक नागिन टू करके ऐसी एक मूवी है, वो दो मूवी मैंने किया है। और रितेश सर जी के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगा। और मतलब एक होता है ना कि मतलब एक डायरेक्टर मिलजुल के आर्टिस्ट को कैसे करना है, क्या करना है, उस हिसाब से की करवाए हमारे रितेश ठाकुर जी ने। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा मूवी भी है, फैमिली ड्रामा है, बहुत ही अच्छा लगा साथ उनके साथ काम करके। धोबी गीत तो ये तो हमारे यूपी का यूपी में तो ऐसे ही धूम मचाता रहता है धोबी गीत, ये बिरहा जो होता है। और इस मैंने गाना गाया है धोबी गीत, एक गाना उसमें मेरा बहुत पॉपुलर हुआ, चूम लिया गाल चमकौआ राजा हो अहिरा के बेटौआ। हमारे बड़े भैया टुनटुन यादव जी ने लिखा था इस गाने को, और बहुत ही अच्छा धोबी गीत और सीक्वेंस वो बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं वो। अगर सपोर्ट करते हैं जिनका तो दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत ही निर्छल आदमी है। और सच पूछिए तो धोबी गीत इस समय जैसे लग रहा है कि सीक्वेंस को हटा के खाली धोबी ही गीत गाए हम लोग, इतने व्यूज़ मिल रहे हैं और चारों तरफ बज भी रहा है। सारे लोग एक ट्रेड बना लिए हैं कि अब धोबी गीत सीक्वेंस से, जो जीन्स पहन रहे थे आज लुंगी पहन रहे हैं धोबी गीत के लिए। अच्छा लग रहा है गा के धोबी गीत, और ऐसे चलता रहेगा, धोबी गीत सीक्वेंस दोनों सब चलते रहेंगे। बचपन में तो मेरे घर के पीछे एक सरस्वती शिशु मंदिर था, मैं उसमें पढ़ा हूँ। और सच पूछे तो गाने का शौक़ मुझे सरस्वती शिशु मंदिर से हुआ। हफ्ते में एक दिन शनिवार के दिन शिशु सभा लगती थी, तो मैं हल्का फुल्का गाता था शिशु सभा में। रोज़ कॉलेज जाऊँ या ना जाऊँ वो बात की बात है, लेकिन शनिवार के दिन मैं ज़रूर जाता था कि दोपहर के बाद इंटरवल के बाद गाना गाने का मौका मिलेगा, ये इंटरटेनमेंट। वहीं से शुरुआत हुआ, और फिर उसके बाद मैं एम ए किया हूँ, ग्रेजुएशन कम्प्लीट है। अपने पास में ही मैं RBS कॉलेज में पढ़ा, शाहद्वारा जो हमारे हैं वहाँ पे पढ़ाई अच्छा खासा चला मेरा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं गायकी के क्षेत्र में आया तो मेरा पढ़ाई लिखाई ऐसा नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट कम्प्लीट है मेरा। और रही कि गाने की, तो बचपन से ही शौक था मेरा गाने के लिए, और मैं धीरे 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 गाते गाते अब एक हो गया है कि गाते हैं हम, प्रोफेशन बन गया है। देखिए यादें तो बहुत हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बचपन में तो लोग तो इधर उधर होता रहता है। ज़्यादातर ये टारगेट बना के चलते थे कि हम लोग किसको मारना है, क्या करना है, कैसे है कॉलेज में। फिर अब जब पढ़ते थे हम लोग तो ये होता था कि बस किससे मार कर लें, किससे झगड़ा कर लें, यही सब होता था। फिर जैसे हाई स्कूल इंटर में गए, फिर लगा कि हाँ पढ़ना चाहिए, कभी होगा ना कि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया तो नहीं अब पढ़ना चाहिए। तो यादें तो बहुत सारे दोस्तों के साथ, किसी के साथ तब तक फिर धीरे धीरे रुझान गायकी की ओर हो गई। कुछ भी नहीं, लव स्टोरी वाला कोई काम नहीं था, लेकिन नहीं छुपाने की बात नहीं है, मतलब कुछ दोस्तों को मैं सोच रहा हूँ वो बता नहीं सकता मैं सामने बता नहीं सकते हैं। लेकिन वैसे बचपन की लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, खाया पिया और घूमा फिरा। फिर घर पे डर रखता था कि अरे यार कैसे जाएं, अब डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, ये वो। पहले ही घर में घुस के धीरे से सो जाओ बिना खाए पिए, पापा के डर से, मम्मी के डर से, बड़े भैया के डर से कि मारे ना, ये वो। तो वो सब यादें सोच सोच के हंसी आ रही है। Planet Bhojpuri.